नमस्कार प्रशिक्षुओं, एक आपके सामने बहुत ही खतरनाक न्यूज रखने वाले हैं जिसमें आपको जरूर आहत पहुंचेगा। आप लोग यही सोचते हो ना, डीएलएड में कापियां हम अच्छे करके आते हैं फिर भी कहां से फेल हो जाते हैं। अब इस न्यूज के बाद आप इस बात को 100% नहीं 101% श्योर मान लेंगे कि हाँ सच में यह हम तो कापियां अपने तरीके से पूर्ण रूप से सही करके आते हैं, लेकिन यह लापरवाही होती है पीएनपी की, जो आपको एक नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर से आपका बैक लगा देता है और आप लोग फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ती है और आपके मित्र आगे हो जाते हैं आपसे। यह सब बातें आपको पता होंगी और आप इस चीज़ को लेकर बहुत झेल रहे होंगे। साथी सेमेस्टर बच्चे जिनका तीन बार बैक हो चुका है, वो बच्चे बहुत झेल रहे होंगे, कहते होंगे कि तीसरी बार तो हमने अच्छे से पढ़कर पेपर दिया था, फिर कहाँ से एक नंबर से बैक लगा दिया, जिससे कि हम चौथी बार प्रत्यावेदन लेकर दौड़ रहे हैं। बच्चों आज की न्यूज बहुत ही खतरनाक न्यूज है। जो जूनियर एडिट की परीक्षा हुई थी उसमें बच्चों यह कहकर, मतलब बच्चे बहुत सारे थे, 571 ऐसे अभ्यर्थी पहुंचे थे, वैसे तो थे तो लाखों ना, अगर 571 ही बच्चे केवल पहुंचते हैं इस घोटाले। बच्चों हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, डाटा गलत ना हो। यह शिकायत दर्ज कराए थे कि कापियां सही तरीके से नहीं चेक हुई है। 571 बच्चे ही केवल पीएनपी पर गए थे, यह शिकायत दर्ज कराए थे, कापियां सही से नहीं चेक हुई है। आपको बता दें साथी, जिसमें से 132 ऐसे कापियां निकली जो कि सच में इस बात की पुष्टि कर रही थी कि कापियां सही से नहीं चेक हुई हैं, घोटाला किया गया है, नंबर बढ़ा चढ़ाकर दिया गया है, जबरदस्ती पास किया गया है, अच्छे नंबर जबरदस्ती दिया गया है। आपने खुद देखा होगा कि जूनियर एडेड घोटाला, जो बच्चे अच्छे नंबर पाए थे, जो बहुत अच्छे अच्छे 150 में 145 ऐसे ऐसे नंबर पाए थे, यूट्यूब में वायरल हो रहे थे, वैसे ही बच्चे 571 बच्चे में से 132 कापियां अगर इस प्रकार से मिलती हैं, अब इनको फिर से कापियां चेक करने को लेकर, फिर से पूरी कापियां चेक करने के लिए इजाज़त दे दिया गया है, फिर से सारी कापियां चेक होंगी। अब देखिए यह रहा इनका घोटाला। साथियों अगर बात कर लें, अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, जो 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था, यूपी टेट का पहला बच्चा जो नवंबर में हुआ था, वह पेपर कैंसिल हुआ था, कैंसिल हो गया था पेपर, और इसी वजह से मात्र हमारे पीएनपी सचिव जी उपाध्याय सर उस समय थे, उनको जेल भी जाना पड़ा था। साथ ही यही सब जो है पीएनपी के इमेज को डाउन करती है। अब यहाँ पर बच्चे यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हमारा बैक तो तभी लगता है जो डीएलएड की सेमेस्टर कापियाँ होती हैं, शायद ही इस बार बहुत अच्छे से हुआ है कापी, शायद क्या, सच में इस बार बहुत अच्छे से एग्जाम कराया है इन्होंने, लेकिन हर बार कापियाँ कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती थी और किसी न किसी बच्चे को मिल जाता था और वो वायरल हो जाया करता था। और यह लीपा पोती हर बार करते हैं, इस बार भी अगर लीपा पोती किए बच्चों, तो आप लोग जरूर से जरूर अपनी कापियां अपने सामने निकलवाने के लिए एकजुट होइएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को वायरल करना होगा और बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा। आप इतना समझ लें, आपके साथ खिलवाड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही जब 571 में से 132, यार बहुत बड़ी यह डाटा है साथी, 571 ही केवल और केवल वहाँ पे यह सूचना जाता है कि हमारी कापियाँ सही से नहीं चेक हुई हैं और जिसमें से 132 सही न्यूज निकलते हैं। इस बात को देखकर पीएनपी को फिर से कापियाँ चेक करने के लिए इनको आर्डर दिया जाता है, वो फिर से कापियाँ चेक होने लगी। अब जूनियर एडेड जो एक साल में सिलेक्शन देना चाहिए था, 5 साल में सिलेक्शन देगा, आप खुद सोचो। और बच्चों यही कारण होता है सच में, अगर मान लें इन सबको देखते हुए, यूपी टेट वगैरह इन सबको देखते हुए नज़ारे को, साथ ही सच में आप सच कहते हैं इस बात की, हम एक टीचर रहते हुए पुष्टि भी करते हैं कि यह सच में ऐसे करते होंगे। जब आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो हमारा ओएमआर सीट पे एग्ज़ाम होता है साथ ही, उसमें यह कापी सही से नहीं चेक कर पाते हैं, लुटेरों बैठे होते हैं, तो इसमें क्या नहीं होते होंगे। अगर पीएनपी सचिव इतना ही पारदर्शी तरीके से कापियां चेक कराते हैं, तो क्यों हमारे तेज बच्चे फेल हो जाते हैं, या फिर कौन से हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो यूपी टेट सीटेट में 120 125 130 नंबर काउंट कराने की बात मत करिएगा, हमारे पास बहुत सारे बच्चों का डाटा है 125, यहां तक कि मैथ में 25 28 नंबर पाने वाले बच्चे हैं, डीएलएड मैथ में बैक लगा लिए हैं। जब उनके पास फ़ोन किया जाता है तो उनका कहना साफ साफ ही होता है कि आपको 8 और 7 की मैथ नहीं आती है, आप क्या पढ़ोगे। तो फिर से अभ्यर्थी जब उनसे कहता है कि पीएनपी जी, मतलब सचिव जी, सचिव महोदय जी, हमारे शशिभूषण, मतलब भूषण सर की ही बात हो रही है, इनसे ही बात हुआ था, इन्होंने बोला 7-8 का मैथ जब नहीं लगा पा रहे हो, क्या शिक्षक बनोगे।
तो बच्चे का तुरंत उलट जवाब था कि सर हमने यूपी टेट 2 बार क्लियर किया है, वो भी यूपी टेट के मैथ में पूरा का पूरा नंबर पाया है। अब आपकी संस्था क्या कर रही है, हमारे साथ किस प्रकार से बैक लगा रही है, यह तो वही जाने, क्या उसको मैथ नहीं आता है या फिर डीएलएड के मैथ की कॉपी आप डीएलएड के हिंदी वाले टीचर के साथ चेक करवा रहे हैं, यह भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साथी, तभी तो आपका बैक लग रहा है, या फिर आप पैसे ले रहे हो, साफ साफ जो बातें हैं आप करते कि क्यों नहीं, यह साथी घोटाला है। अगर बच्चा इस बार बैक लगा ना तो समझ जाओ आप डीएलएड में बहुत पीछे हो जाओगे। डीएलएड करना बेकार है, निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। डीएलएड कोई आईएएस पीसीएस का नौकरी थोड़े देगा, एक शिक्षक का ही जॉब देगा, जिसको पाने के बाद बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के लिए सोचते हैं। भैया जब हमारी एज निकल जाती है, जब शिक्षक बनेंगे एज निकलने के बाद, तो खाक हम आईएएस आईपीएस की तैयारी करेंगे, इससे अच्छा है पहले कर लिए होते तो शायद डीएलएड करते करते जितने समय हमने डीएलएड में व्यतीत किए उतने में आईएएस शायद आईपीएस बन गए होते। यह बात रही साथी, साफ साफ यह मुद्दा रहा। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है हम सही जानकारी देते हैं, तो आप इसे जरूर शेयर करिएगा और अपने मित्रों को जोड़िएगा। डीएलएड 4th सेमेस्टर और डीएलएड 2nd सेमेस्टर जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसके क्लास हम चला दिए हैं, मैथ खत्म हो चुका है दोनों सेमेस्टर का, प्लेलिस्ट में देखिए, यूपी टेट सीटेट पर फोकस कर लिए, जल्द ही उसका एग्जाम होने वाला है। धन्यवाद।